के अंदर, तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं। जब 9 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ में एक्सटेंशन आएगा, वैरी करेगी, जल्दी से कट ऑफ बंद हो जाएंगे कि? हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में। यार अभी नोटिफिकेशन वगैरह तो आया नहीं, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, लेकिन फी स्ट्रक्चर वगैरह रिलीज कर दिया गया है, तो काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है। ये तो पता चल गया कितने कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं यूपी नीट की काउंसलिंग में। यूपी नीट, इट्स मीन कि हम एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है। एक्सपेक्टेड डेट क्या होंगी, जो मेन पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो मैं पहले यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, क्या सर 6 जनवरी के पहले कुछ शेड्यूल वगैरह रिलीज हो जाएगा, क्या हो सकता है, संभवता क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि 6 जनवरी के पहले पहले जो अभी हियरिंग चल रही है ना, तो क्या ऑल इंडिया कोटा है, जो एमसीसी वगैरह की काउंसलिंग है, क्या उससे पहले कुछ पोर्टल वगैरह ओपन करेंगे? तो मैं यार एक लाइन में इस चीज़ को वाइंड अप कर दूँ। देखो, स्टेट में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है रिलीज कर दे अपने नोटिफिकेशंस, लेकिन ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग जो होगी वो अभी नहीं रिलीज किया जा सकता है। और स्टेट कोटा भी मैं बताऊं कि हार्डली आपको शेड्यूल देंगे, या जो क्लोज स्टेट होंगे या हो सकता है उनका रिलीज हो गया हो। हाँ, स्टेट कोटा दे सकता है, स्टेट कोटे के शेड्यूल्स आ सकते हो सकता है रजिस्ट्रेशन 6 के बाद 7 से रख दे कोई, तो इस तरह की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक्सपेक्टेड डेट आप ऐसे लेकर चलो, अगर यूपी की अगर हम बात करें तो यार 10th of January रख लो, है ना, 5 से 10 जनवरी के बीच में आप ऐसे समझ लो कि 6th of January के अगर अराउंड सारा कुछ जो कंक्लूजन है, जो भी चल रहा है उसका अगर कुछ कंक्लूजन निकल जाता है, तो मैक्स टू मैक्स 10th of January तक वैरी करेगा। अब अगर हम बात करें कि करंट स्टेटस क्या है यूपी नीट काउंसलिंग पोर्टल का, एमबीबीएस में अगर हम बात करें तो उसका भी एक फी स्ट्रक्चर इन्होंने रिलीज कर दिया है, है ना। बीडीएस का भी फी स्ट्रक्चर जो अपडेटेड वाला है 2021 वाला रिलीज कर दिया, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर फी स्ट्रक्चर यार जाकर चेक कर लेना यूपी नीट की वेबसाइट पे, हो सकता है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो। अब यहाँ पर जो मेन बात करने वाले हैं, जो एक सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट बनता है, ये तो डेट वगैरह की बात खत्म हो गई, सर कट ऑफ वाली बात बताओ। यूपी के अंदर तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं, जब 9 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ में एक्सटेंशन आएगा, वैरी करेगी, जल्दी से कट ऑफ बंद हो जाएंगे कि एक्सटेंड होके होंगे, कैसा होगा? बिकॉज ये तो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करेगा, या टीयरिंग टू टीयरिंग वैरी करेगा, फीस वाइज भी वैरी कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट सीट या कॉलेज बढ़ने की वजह से प्राइवेट कॉलेज में कितना इंपैक्ट करेगा, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो देखो, पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ समझ लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की यार कट ऑफ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, कट ऑफ आप देख सकते हो, जनरल 18,000, ईडब्ल्यूएस 19,000, ओबीसी 20,000, ये एकदम सेफ स्कोरिंग लिखी हुई है। और अगर आपकी 22,000 रैंक तक अगर आता है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर 9 गवर्नमेंट कॉलेज अगर एड ऑन हो जाते हैं एमबीबीएस में यूपी के अंदर, अगर वो एड ऑन हो जाते हैं, अगर आपकी लगभग 900 को सीट्स अगर इंक्रीज कर जाएंगी, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक 22,000 तक है, तो एक बार हो सकता है कि ओबीसी वाला 22,000 तक टच कर जाए मोपअप राउंड में। तो मैं बोलूँगा जिसका भी है यहाँ तक, तो एक बार अप्रोच जरूर करे, सेफ स्कोरिंग ये है, और अप्रोचिंग स्ट्रेटजी आप रख सकते हो जिनका भी 22,000 रैंक तक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ है वो कितना वेरी करेगी, कितना फ्लक्चुएट करेगी। अब मैं बोलूंगा कि यार 2-3 चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब ऊपर का जब सेम डोमेन में ऑडियंस गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगी, तो दिन कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज का डाइवर्जन थोड़ा सा कम होगा, थोड़ी सी डिमांड कम होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो मैं बोलूंगा कि चॉइस प्लिंग अपनी प्रिपेयर्ड करके रखो, अपने बजट के हिसाब से, अपनी स्कोरिंग के भी। यहाँ पर 2 फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद में लास्ट ईयर की कटऑफ के भी यहाँ पर आप रैंक टैली कर लो। ई बुक अपने जो है यूपी नीट काउंसलिंग की, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लो, वहां से अपनी रैंक टैली करो, मार्क्स नहीं टैली करने, रैंक टैली करो, और आप वहां से कुछ कॉलेज निकाल सकते हो। चॉइस फिलिंग में जो ध्यान देने वाली चीज है, वहां पर नंबर ऑफ कॉलेज 4-5 जरूर रखना, मतलब मिनिमम तीन रखना। हाँ, अगर आप गुड रैंकर हो तो आप एक भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, है ना। उसके बाद में 2021 का अपडेटेड फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हो, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एमबीबीएस का भी और बीडीएस का भी। अब हम लोग मूव करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ, पूरा हायरार्की बना रखी के हिसाब से वेरी करेगा, क्या क्या हो सकता है। यूपी एक ओपन स्टेट है, कोई भी आके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, जस्ट वो एक बार बस
क्वालिफाई हो नीट और वो आके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। upneet.gov.in इनका मेन ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पर काउंसलिंग कंडक्ट होती है। अगर आप अदर स्टेट से तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, आपको जाकर पूरा करना पड़ता है, ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है यूपी नीट की काउंसलिंग में, एक ड्रॉबैक है। तो अगर कोई महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहा है या कोई कर्नाटक से अप्लाई कर रहा है, मतलब दूर का बच्चा अगर इधर आना चाहता है, या आप वेस्ट बंगाल से हो, या आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो या पंजाब से हो, बिकॉज इधर जैसे आप अगर बात करो बिहार के, तो बिहार में कॉलेज थोड़े से कम है, राजस्थान हो गए, दिल्ली के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, तो वहाँ के बच्चे का थोड़ा सा, या ऐसे कोई भी स्टेट जहाँ पर यूपी का मतलब मूविंग है, यूपी की तरफ है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन वेरिफिकेशन आके कराना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस हिसाब से वैरी करेगी फीस स्ट्रक्चर, अभी तक देखो माइनॉरिटी के कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर नहीं आया है। अभी जो फीस स्ट्रक्चर आया हुआ है वो नॉर्मली जितने कॉलेज हैं, आई थिंक 22 थे, एक और बढ़ गया शायद 23 अराउंड हो गए हैं, है ना। तो एक अप्रॉक्स मैं डेटा लेकर चल रहा हूँ कितने कॉलेज अगर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब लास्ट ईयर अगर टॉप 10 की हम सबसे पहले बात कर लें, जो हमने एक टॉप 10 वाली वीडियो बना रखी थी, आप उसको स्क्रीन पर भी देख सकते हो, है ना, वो वीडियो जाकर देख लो, पूरी कॉलेज वाइज कट ऑफ वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसमें हार्डली 5 से 10 हज़ार के बीच में प्लस माइनस आप कर लो, है ना, माइनस कर लो, मैं बोलूँगा प्लस तो बिल्कुल मत करना, मतलब माइनस कर लो इतने कॉलेज में। प्लस करने के लिए मतलब तुम आप ऑप्शन में रख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, 5-10 हज़ार हमारी रह जा रही, तो हम उसको ऑप्शन में जरूर रखें। जो ना मिल रहा हो, 5-10 हज़ार से रह जा रहा हो, वो कॉलेज ऑप्शन में जरूर रखना। दूसरी स्ट्रेटेजी, प्राइम लोकेशन में जो जो कॉलेज है, प्राइम लोकेशन मतलब जहाँ जहाँ पर मेट्रो सिटी पे कॉलेज है अगर आपका, जैसे कि आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी डिमांडिंग रहेगा इस बार, और यूनाइटेड कॉलेज आपका इलाहाबाद वाला काफ़ी डिमांडिंग रहने वाला है, जितनी भी प्राइम लोकेशन पे नए नए कॉलेज ओपन हुए हैं, है ना, उनके लिए मैं बोलूँगा 11 से लेके 18 नंबर तक, मतलब मेरी लिस्टिंग के हिसाब से आप देख लेना, वो भी वीडियो जो सेकंड मैंने एवरेज को पूरा 200 से 300 नंबर के बीच वाला जो वीडियो बनाया था, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको भी जाकर आप देख लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन पर है, ई बुक दे रखी है, डाउनलोड करके देख लो, पूरा कट ऑफ डेटा निकाल लो, प्राइवेट कॉलेज का कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा अवेलेबल है अपडेटेड वहाँ। उसके बाद में डिमांडिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, जो एवरेज वाले हैं वो तो थोड़ा सा जल्दी से क्लोज होंगे, ये तो प्लस माइनस 10 यहाँ पे लेके चल सकते हो, है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे, बिकॉज जो नीचे का कॉलेज है, देखो ऊपर के जो टॉप 15 कॉलेज है, मोटा मोटा अगर मैं आइडिया दूँ टॉप 15, उनमें यार देखो एक्सटेंशन का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, एक्सटेंशन 15 के बाद वाले में से हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, बिकॉज जो नीचे के कॉलेज होंगे या कुछ ऐसी लोकेशन पे है, मेट्रो सिटी नहीं है, या रूरल लोकेशन पे है, या कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यू है, बिकॉज जो अदर स्टेट से गुड स्कोरिंग कैंडिडेट अप्रोच करता है अगर यहाँ के लिए, गुड स्कोरिंग इन सेंस की अगर जिसका 350 के अबव है या 500 से बीच में आता है, तो वो अगर यहाँ के लिए अप्रोच करता है अदर स्टेट वाला, तो कनेक्टिविटी जरूर देखता है और अच्छे कॉलेज को ही टारगेट करता है, है ना, तो कनेक्टिविटी एक फैक्टर यहाँ पर बहुत मैटर करता है, स्टॉप इट बजट और स्कोरिंग तो रखता ही रखता है। उसके बाद में जो नीचे के जो कॉलेज रह जाएंगे 19 से 22, 23, जैसे कि अभी नारायणा अपने कानपुर में ओपन हुआ है, उस कॉलेज की मैं बात करूं, तो उसकी कट ऑफ कुछ ऐसी रहेगी, 200 अगर अबव है तो आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हो, इन लास्ट कॉलेज के लिए आपका श्री वेंकटेश हो गया, वरुण अर्जुन हो गया, है ना, एमसीएमसी मेरठ हो गया, तो 250, मतलब ये थोड़े से ऊपर वाले कॉलेज हैं, मतलब जैसे जैसे आप कॉलेज ऊपर जाओगे तो आपकी कट ऑफ बढ़ने लगती है, मतलब रैंक के टर्म्स में बात करेंगे तो रैंक थोड़ी सी कम हो जाएगी। माइनॉरिटी कॉलेज जो होंगे इनकी कट ऑफ आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलेगी, बिकॉज इनकी फीस ज़्यादा होती है। आई थिंक आपको ये वाला सारा पार्ट समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से प्राइवेट कॉलेज वाइज सारी की सारी कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा है। तो अगर आप प्राइवेट MBBS की काउंसलिंग करना चाहते हो, अगर आप कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा माइंडसेट रखा है, या आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप हमारी एक बार टीम से जरूर कंसल्ट करिएगा MBBS को लेकर, यूपी की काउंसलिंग की आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, एक फ्री गाइडेंस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर है, ईबुक भी दे रखी है, जाकर डाउनलोड करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।